हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे नूं। हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस ड्रिल मशीन के बारे में, जो कि तकरीबन 2000 रुपए में जो है आती है मार्केट में, और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और ऑफलाइन भी। और आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसको खोल के सारा मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके बीच में किस तरह की जो है मोटर यूज़ किया गया है मोटर का, और इसकी बैटरी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, और इसके गियर बॉक्स वगैरह सब कुछ देखेंगे, और आगे वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले जो भी भाई चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगे तो। चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं हम। दोस्तों, ये जितने भी इसमें जो स्क्रू थे वो हमने खोल लिए हैं सारे। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्क्रू थे, और ये 6 हमने खोल लिए हैं। और इसके बाद ये जो बैटरी वाला हिस्सा है जिसमें ये बैटरी डलती है, वहाँ पे ये 2 लॉक हैं, इनको भी ऐसे निकालना पड़ेगा। देखिए इस तरह के लॉक हैं इसमें, और ये भी हम निकाल लेते हैं इधर से। और ये जो हमारी ड्रिल है अब खुल जाएगी यहाँ से, इस तरह आप इसे उठा के खोल सकते हैं। ये जो इसमें मोटर यूज़ की गई है 12 वोल्ट की मोटर है, और जो इसका मॉडल है वो है RS550, यानी इसमें RS550 जो मोटर का यूज़ किया गया है, 12 वोल्ट की ये मोटर है। और इसी के साथ आप ये देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड कंट्रोलर भी दिया गया है साथ में। ये जो प्रेस बटन है, इसे हम जब प्रेस करते हैं तभी जो है मोटर की स्पीड को ये कंट्रोल करता है। और यहाँ पर एक लॉक का बटन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह जो प्रेस करने पे ये चलती है। और ये जो सिस्टम है, यहाँ पर हमारी जो है बैटरी अटैच होती है इस तरीके से, ये हमारी बैटरी है, इसे भी हम बाद में खोल के देखेंगे। फिलहाल जैसा आप देख सकते हैं ये वाला इसमें यूज़ किया गया है। और इसी के साथ यहाँ पे एक LED लाइट दी गई है, यानी अंधेरे में काम करने के लिए, रोशनी के लिए यहाँ पे एक छोटी सी LED लाइट दी गई है। उसके साथ इसमें ये जो सर्किट बोर्ड है, इसे जो पावर देता है मोटर को, ये किसी तरह की जो है पावर कंट्रोल करता है बैटरी से, ताकि जो है मोटर को ज़्यादा पावर ना मिले। और उसी के साथ ये कंट्रोलर हमारा काम करता है, जो है वोल्टेज को कंट्रोल करता है मोटर में जाने से पहले, और जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं वैसे ही ये जो मोटर को वोल्टेज देता है, जितना हम इसको प्रेस करेंगे वो उतनी ज़्यादा जो है मोटर को वोल्टेज देगा, और मोटर की स्पीड उस हिसाब से कंट्रोल होती है। और उसी के साथ ये जो मोटर के आगे गेयर बॉक्स लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक का ये जो इतना हिस्सा है, ये इसका गेयर बॉक्स है। और आगे ये ड्रिल का चक लगा हुआ है जिसमें हम ड्रिल बिट डालते हैं। देखिए ये हमारा चक है आगे, तो ये भी यहाँ से खुल जाता है बीच में, इसके बीच में एक स्क्रू दिया हुआ है, उससे ये चक खुल जाता है। फिलहाल हम ये जो मोटर को इससे गियर बॉक्स से जो है अलग करेंगे, उसके लिए सिंपली इसमें जो है लॉक है, किसी तरह का जो है स्क्रू नहीं दिया उसमें, इसे लॉक जो सिस्टम है ऐसे इसे घुमा के, और इस तरह हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये मोटर है, और इसकी जो शाफ्ट है इसमें कट लगा हुआ है, ताकि जो इसका गियर है वो स्लिप ना करे। और ये जो आप देख सकते हैं गियर इसके बीच में रह गया है, इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए मेटल का गियर है, इसमें जो सभी गियर्स यूज़ किए हैं गियर बॉक्स में वो सभी मेटल के गियर्स हैं। और इसी के बीच में भी यहाँ पर एक जो शाफ्ट में जैसा कट था उसी तरह का कट इसमें भी बना हुआ है, ताकि जो ये आसानी से इसमें ऐसे गियर लग जाए और ये स्लिप ना करे शाफ्ट। और इसी के साथ ये जो हमारा गियर बॉक्स है, इसके बीच में भी आप गियर देख सकते हैं ये बने हुए हैं। ये देखिए जब हम चक को घुमाते हैं तो इस तरह जो ये गियर हैं घूमते हैं। ये देखिए इसमें ये जो छोटे गियर्स हैं, ये टोटल 6 यूज़ किए गए हैं, जैसे 3 गियर इस तरफ हैं और 3 गियर इसके अंदर वाली साइड यहाँ पर
लगे हुए हैं जो इसकी जो है स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इससे जो है ड्रिल को ज़्यादा टॉर्क मिलता है और जो मोटर पर ज़्यादा जो है दबाव नहीं आता इसका, इसलिए ये गेयरबॉक्स यूज़ किया जाता है इसमें। बाकी मैं आपको आगे गेयरबॉक्स भी खोल कर दिखाता हूँ सारा। अब हम ये जो गेयर्स बाहर निकालने के लिए यहाँ पे दो लॉक दिए हुए हैं शाफ्ट के जैसे गोल, ये बाहर निकालेंगे इस तरह देखिए, ताकि ये इसलिए लगाए हुए हैं ताकि जो ये गेयर हैं वो बाहर ना आए इस तरफ से, ये लॉक करने के लिए लगाए गए हैं। और इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक मेटल की जो शीट लगाई गई थी इसे कवर करने के लिए, और ये आप गियर देख सकते हैं इसके बीच में। देखिए इस तरह ये इसके चारों तरफ घूमते हैं, ये लॉक है। और सेम इसी तरह के तीन गियर इसके अंदर वाली साइड भी हैं, ये अभी निकल नहीं रहा है क्योंकि इसका जो चक्का बीच में जो स्क्रू है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, वो खुल नहीं रहा है, इसलिए ये जो आगे मैं आपको नहीं दिखा सकता खोल कर। लेकिन सेम इसी की तरह के जो है इसकी अपोजिट वाली साइड भी ऐसी गियर यूज़ किए गए हैं जो इसकी जो स्पीड को कंट्रोल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मोटर है ये भी मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ कि इसकी आरपीएम कितनी है इसमें। ये जो काफ़ी पावरफुल मोटर है इसमें, क्योंकि ये जो ड्रिल है वो भी काफ़ी पावरफुल है, इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। और इसकी अनबॉक्सिंग भी मैंने की हुई है, आपको दूसरे चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएगी अनबॉक्सिंग की। और ये जो इसकी बैटरी है इसे हम कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, देखिए इसमें जो ये दो कनेक्टर दिए हुए हैं इसमें जो है हम इसको अटैच करेंगे इस तरह। देखिए इस तरह बैटरी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो ये हमारा स्विच है जिससे ये ऑपरेट होती है मोटर, हम उसे चलाएंगे। देखिए काफ़ी जो है अच्छी आरपीएम है इसके, आप साउंड भी सुन सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो टॉर्क है मोटर का, काफ़ी पावरफुल मोटर का यूज़ किया गया इसमें। और इससे पहले जो हमने एक मोटर तैयार की थी उसी साइज़ की है ये मोटर, जैसा आप देख सकते हैं, ये जो हमने खुद जो तैयार की थी इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल इसी में। और ये उसके साइज़ की मोटर है सेम, काफ़ी जो अच्छा टॉर्क इस मोटर का आप देख सकते हैं स्पीड। और इसी में ही ये जो स्विच है बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए है, जैसे कि अभी ये जैसे आगे घूम रही है और जब इस स्विच को हम इस तरफ प्रेस करेंगे तो ये जो मोटर है अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगेगी, जैसे आप देख सकते हैं। और जब इस स्विच को यहाँ पे सेंटर में कर देते हैं तो ये यहाँ पर लॉक हो जाता है स्विच, इससे जो है मोटर नहीं चलती और जो है हमारी ड्रिल है वो लॉक हो जाती है। इसे जो लॉक और लेफ्ट राइट करने के लिए इस तरह का ये यूज़ किया जाता है इसमें कनेक्टर, प्लास्टिक का ये जो टुकड़ा है इसे इस तरह यहाँ पर यूज़ किया जाता है, उसकी जो है आगे पीछे इसको करता है मोटर को, ड्रिल को। और इसके साथ ये जो बैटरी है, इस बैटरी को भी जो चार्ज करने के लिए यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, एक पोर्ट दिया हुआ है जहाँ से ये चार्ज होती है। और ये 12 वोल्ट की बैटरी है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 12 वोल्ट और 1.2 एम्पेयर की ये जो बैटरी है इसके साथ दी गई है, यानी कि ये जो मोटर है वो 12 वोल्ट पर ऑपरेट होती है, अच्छे तरीके से काम करती है। और इसी के साथ मेरे को जो है दो बैटरियाँ दी गई थी, ये जो एक बैटरी आप देख सकते हैं, ये दो बैटरियाँ इसके साथ आई थी। और जो इसका प्राइस था 2000 रुपये, और उस रेंज में ये जो दी बेस्ट ड्रिल मशीन है जिसके साथ आपको दो बैटरियाँ दी जाती हैं और एक जो चार्जर दिया जाता है 12 वोल्ट का,
और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बढ़िया है, कहीं भी आप ड्रिफ्ट कर सकते हैं इसके साथ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि 2000 की प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी जो है ड्रिल यहाँ पे जो दी जा रही है, आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। जो मेरी दूसरी अनबॉक्सिंग की वीडियो है उस चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर इसका लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। और इसमें ये जो नंबर भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ से तो ये देखो यहाँ पे मिट गए हैं नंबर, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे। इसमें जो आप इसकी टॉर्क वगैरह या जब आप स्क्रू कसते हो तो इसे सेट कर लेते हो कि आपको कितना ज़्यादा स्क्रू कसना है, तो उसके बाद जो है ये स्लिप करने लग जाती है ऑटोमेटिक, यानी अधिक जोर नहीं लगाएगी। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਦੋਸਤੋਂ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਆਪ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਕਰੋ, ਬਾਤ ਕੀਆ ਕਰੋ, ਤੋ ਮੈਂ ਅਭੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰੂੰ, ਬਾਕੀ ਜੈਸਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਮਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਰਿੱਲ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰਿੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੀ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰਿੱਲ, ਅਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 2000 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਰਿੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਲਿੰਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ।